हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कविता। दोस्तों, आज मैं गई थी नर्सरी और वहाँ से मैं पर्सलिन के प्लांट लेके आई थी। बहुत ही खूबसूरत सी ब्लूमिंग हो रही थी। पोर्चुला का प्लांट में आप देख सकते हैं, मल्टी कलर में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे पास घर पे ऑलरेडी पोर्चुला का है, देसी वाली, तो मैं पोर्चुला का के प्लांट नहीं लेके आई हूँ, ओनली पर्सलिन लेके आई थी। और ये आप देख सकते हैं मेरे घर पे जो पोर्चुला का के प्लांट है, एक प्लांट में किसी पक्षी ने दो अंडे दिए हैं और छोटा सा घोंसला बनाना स्टार्ट किया है। तो ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है नेचर को देख के, हमेशा गुड वाइब्स मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे कोई नकली घोंसला ला के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नेचुरल किसी पक्षी ने इसमें अंडे दिए हैं और घोंसला बना रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी ये देख के। और जो ये पोर्चुला का है मेरे पास में, ये देसी वाली है, इसमें ब्लूमिंग थोड़ी सी कम हो रही है अभी, इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन ये पोर्चुला का जो होती है, इसको आप नेक्स्ट सीजन के लिए आसानी से सेव करके रख सकते हैं। हाइब्रिड वाली जो पोर्चुला का मैंने आपको नर्सरी में दिखाई थी, उसको आप अगले सीजन के लिए सेव नहीं कर पाएंगे, वो एक सीजन ही चल पाती है। तो ये वाली जो देसी है मेरे पास, इसमें भी तीन चार कलर है मेरे पास में, रेड, येलो, पिंक, कई सारे हैं। तो जैसे जैसे ब्लूमिंग होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स के साथ में रहना। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी पीनट चाट रेसिपी। पीनट चाट मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, यूनिक है। अगर आप जो डे टू डे में रोज़ हम नाश्ता खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, खा खा के बोर हो गए हैं, तो आप पीनट चाट को ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी है, झटपट बन जाती है। इसमें बस ध्यान रखने वाली एक ही चीज़ है, बाकी ये बहुत ही झटपट से बनने वाली है। जब हम पीनट को रोस्ट करेंगे तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो पीनट्स हैं, ये जो मूंगफली के दाने हैं, कुछ लोग इनको सींग दाना भी बोलते हैं, ये बाहर से काले पड़ जाएंगे और अंदर से जो है ये कच्चे रह जाएंगे। तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम तेल में हमें इसको रोस्ट करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और इनका कलर भी जो है अच्छा सा आएगा। तो बस धीरे धीरे से मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ, इसी बात का ध्यान रखते हुए कि ये बाहर से जले नहीं और अंदर से कच्ची नहीं रह जाए। बस इसमें इसका ही ध्यान रखना है, बाकी तो ये बहुत ही आसान मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में ट्राई कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो एक बार आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पीनट चाट की जो रेसिपी है कैसी लगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पीनट्स है चटकने लगी हैं, और मैंने इनको धीरे धीरे करके और अच्छे से रोस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कट कर लेना है प्याज को और इसमें डाल देना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, तो मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब एज पर टेस्ट आप इसमें जोड़ सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, एक लेमन का जूस हम इसमें डालेंगे। तो ये हो गया हमारा लेमन जूस। इसके बाद में हम कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने इसमें डाला है सबसे पहले काला नमक, थोड़ा सा हम इसमें सादा नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों बैलेंस रहे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं हो जाए, क्योंकि हम दो दो टाइप के नमक इसमें डाल रहे हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये चार चीज़ें हमें इसमें डालनी हैं।
स्पाइस में काली मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक और चाट मसाला। चाट मसाला मैं 1/4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ इसमें। वो क्या ना, डेली रूटीन में हम काम करते हैं तो ऐसे नाप तोल की चीज़ें नहीं डालते हैं, बस आइडिया से डाल के और चलते बनते हैं, तो बस वही कर रही हूँ। अंदाजे से मैं 1/4 चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ना वीडियो को एडिट नहीं किया था बिल्कुल भी, जैसा था वैसा ही इसमें ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, लेकिन इससे आप ना रेसिपी को आसानी से अच्छे से सीख पाएंगे, जैसा है वैसा सीख पाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी यम्मी सी पीनट चाट बनके तैयार है। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन जाती है। बस आपको पीनट्स को रोस्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको 2 मिनट लगेगी इसको बनाने में। बहुत ही आसान है, ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।